म्यूजिक न्यूज और मैं हूँ श्रृंखला प्रियदर्शनी। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार की प्रमुख खबरों पर। पटना में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम पर बरसाई गोलियां, मुकेश सिंह नामक सिपाही की हुई मौत। बिहार बोर्ड की ओर से मेघा दिवस समारोह में टॉपरों को मिले 1-1 लाख और लैपटॉप। पुरस्कृत हुए मैट्रिक और इंटर के 43 टॉपर छात्र छात्राएं। आ गया समय मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का, 31 तक बतानी है कितनी है संपत्ति। मुख्यमंत्री नीतीश से धनी निकले थे कई मंत्री। कटिहार में 24 घंटे से लापता हुई 3 छात्रों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, तलाश अभी भी जारी। सिवान में सड़क विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 5 हुए घायल, पुलिस कर रही है कैंप। बेगूसराय में शराब माफिया भोला महतो 30,27,000 रुपए, ज्वेलरी और लग्जरी गाड़ी के साथ हुआ गिरफ्तार। बीजेपी विधायक और विधान पार्षद थाना के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, कहा पुलिस करे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार। बालिका गृह कांड में सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने जवाब न देने की वजह से सीबीआई पर जताई नाराजगी। वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेष अदालतों का हो गठन। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश की विभिन्न खबरों पर। 5 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर विवाद थम नहीं रहा। इसी बीच शिवराज कैबिनेट के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं लेगी सरकार। बुलंदशहर में गोक्षी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना चरम पर आ गया कि लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, शाना कोतवाल हो गए शहीद। लोगों ने चौकी को फूंकने के साथ पुलिस पर भी किया हमला, इसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने जान गंवा दी। साल 2019 अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए रहेगा काफी खास, दिखेंगे 3 सुपर मून, भूकंप प्रकोप और युद्ध के बनेंगे योग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि थोड़ी सी समझदारी अगर होती कांग्रेस के उस समय के नेताओं में तो 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा करतारपुर हमसे अलग नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जाँच की मंजूरी मंगलवार को दी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भस्म आरती के लिए महाकाल मंदिर में ऑनलाइन बुकिंग हुई बंद। आगे की खबरों के लिए बने रहें अम्यूजिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।